आवारा एक्सप्रेस का पहला एपिसोड लेकर आ गए सीजन वन एपिसोड वन। मैं हमेशा चाहता था यार हमारी सीरीज बनना, उसमें सीजन वन एपिसोड वन कराया। एसओ वन यू वन नाइस ट्राई। वैसे मेरा नाम है अक्की और मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ। और मेरा नाम है पार्थ और मैं इस फिल्म में कुछ तो कर रहा हूँ। मैं हूँ आवारा पू और मैं हूँ हल्क इन डीप वॉइस। हल्क इन डीप वॉइस ध्यान में विद एपिक नोटिस ऑफ कोर्स। या अपू हमारे आवारा है, इकलौता वही आवारा है, उसी ने नाम रखा, सब कुछ उसी ने किया। हम तो वैसे ही चलो जिनके चेहरे नहीं होते मतलब कंधे से ऊपर कुछ साफ क्या चाह क्या रहे ऐसे लोगों से तो मिलता ना है जिनको आवारा कहते हैं जिनके चेहरे भी नहीं होते। मतलब आप समझ सकते हैं कि अप्पू का पोटेंशियल क्या है, इसीलिए ये इंसान हमारा एंकर बना है। टैलेंट की वजह से नहीं, हमें शौक ऐसे गालियां दिलवाने। जितनी भी गालियां आपको मिलती हैं सारी कमेंट्स में दे दीजिएगा। कोई दिक्कत, कोई गालियां, कोई नए नाम और उन लोगों का पता जिनके चेहरे नहीं होते, ये उनसे मिलना चाहता है, पर्सनली मिलेगा उनसे जाके। अब आपको बताते हैं कि पहले एपिसोड के लिए हम कहां बैठे थे। पहले एपिसोड के लिए हम आपको बताया था कहां गए थे, आवारा तो आवारा गर्दी करने थे, पहुंच गए मसूरी। मसूरी वाह, मसूरी आवारा गर्दी करते करते मैं मार्केट चला जाता हूँ। आवारा गर्दी करते करते मैं शायद ज्यादा ज्यादा अपने मामा घर चला, नानी घर जाएंगे मोटे होके आएंगे। बिल्कुल मैं मसूरी नहीं पहुंचा। कैसे पहुंचे आप मसूरी, कैसी थी ये, कैसे पहुंचे? शुरुआत वो आप देखेंगे आगे। ये भी अपने बहुत अच्छा हमको क्यों दिया लिंक, लिंक कितना बढ़िया, बहुत बढ़िया लिंक है ये कि हम आगे देखेंगे। हाँ अब हम आगे देखेंगे। तो मेरा टाइम हो गया दिखाने का कि मसूरी की आवारा गर्दी में हमने क्या क्या किया। बिल्कुल और आपको पहली चीज दिखेगी अब पहुंचो और एक कमाल का फ्रेम, एंजॉय कीजिए। तो आइए देखते हैं और घमंडी शॉट भी देखिए। ओवर टू यू। महंगे कैमरा, महंगा एंगल। चले फिर चलते हैं, चलो चलो खड़े निकलो। नहीं नहीं आप देखे, हम ये बैठे आवारापन बंजारापन, इससे मुझे इश्क है। कोई नौकरी से परेशान है, कोई छोकरी से, कोई दिन भर की भाग दौड़ से परेशान है, भाई लोग मुझे कहते हैं आवारा। मैं निकल पड़ा हूं आवारगी पर। हमारी आवारा एक्सप्रेस जो है वो अभी मसूरी की ओर निकली है और अभी हम बैठे हैं यूपी और हरियाणा के बॉर्डर के बीच। यमुना का किनारा है, आराम फरमाया जा रहा है। देखो आगे क्या होता है, अभी तो जब मन करेगा निकल लेंगे आगे। होते ही पता लगता है कि हम पहाड़ों में पहुंच चुके हैं। वो देखिए माउंट एवरेस्ट। अरे नहीं नहीं नहीं, ये एक शिवालिक रेंज का छोटा सा पहाड़ है। हम अभी देहरादून से 20 किलोमीटर की दूरी पर हैं। वहां जाके हमने पहले तो अपनी पेट पूजा करनी है, फिर हम आगे बढ़ेंगे मसूरी के लिए और जल्दी पहुंचेंगे। रास्ता बेहद खूबसूरत है। सर आपका नाम? सर यहाँ लोकल लोग खाना कहाँ खाते हैं? सर लोग इधर भी खाते हैं, देहरादून से बाहर भी हैं, देहरादून के अंदर भी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट हैं। सर देहरादून के बाहर कहाँ बेस्ट खाना कहाँ मिलेगा? राजपुर रोड, राजपुर रोड, राजपुर रोड में बहुत है। धन्यवाद, चलो आओ वहीं चलते हैं खाना खाने। ग्रामीण अंचल से हमारे पास यहाँ पर पार्थ है। आप सोच रहे हो मैं अहिंसा के खिलाफ हूँ?
हार्डली मैटर्स. ओके बाय. आप सोच रहे होंगे अप्पू ऐसे क्यों बैठा हुआ है, एक्चुअली ये शक्ल छुपा के बैठा हुआ है. अभी जो इसने बोला, जो इसने अभी भी कांड किया, आपने देखे होंगे जो फंबल मारा, उसके बाद ये शक्ल दिखाने के लायक नहीं था. इसलिए अब ये वो इंसान बन गया जिसके बारे में पहले बात कर रहा था, बिना शक्ल का इंसान जिनके चेहरे नहीं होते, जो शीशे में खुद से बात करते हैं. यस, वो अप्पू है, आवारा अप्पू है. अब सीधा हो जाएगा, देरी फुटे चल. अगर आप भूल चुके हैं इस चेहरे को, तो वो चेहरा आपको दिखाने के लिए वापस से अप्पू आपके सामने आ चुका है. पेश है अवारा अप्पू. पेशे खिदमत करेंगे अभी हमारी. खैर, आपको बता दूं कि हम लोग जब देहरादून पहुंचे, वहां पर हमने खाना खाया. खाना बड़ा ही टेस्टी था. और खास बात ये है कि आपको हम नहीं दिखाने वाले, हमने क्या खाया, हमने बहुत कुछ खाया. और हम उसके बाद असली कहानी तब शुरू हुई जब हम देहरादून से बाहर निकले. मौसम हो गया ठंडा और बर्फ की संभावना बढ़ गई. जैसे जैसे हमारी भूख ठंडी, मौसम आते दिख रहा, भूख ठंडी, मौसम अत्यधिक ठंडा हो गया. क्या अप्पू साचा ठंडा हो गया. ये काफिया मिल गया, मेरा काफी दिन है, आप लोग देखिए कि आगे क्या हुआ. ठीक है, आगे आपको एक और चीज मिलेगी. अप्पू का एक बड़ा शानदार मिस मत कर, ठीक है. हाँ, डोंट मिस इट. आप वो देखिए जब तक हम एक कॉफी ब्रेक के बाद वापस आते हैं. आवारा एक्सप्रेस ने लिया है ब्रेक और ये देखिए स्नेक. स्नेक मोड. इसे स्नेक मोड इसलिए कहते हैं क्योंकि देहरादून से सिर्फ 15 किलोमीटर ऊपर आए हैं हम और अभी से जमने लगा हूं मैं. जैकेट्स आर ऑन और उम्मीद है ऊपर हमें बर्फ जरूर मिलेगी. इतनी ठंड है तो बर्फ तो मिलनी चाहिए. आइए ढूंढते हैं बर्फ. मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए. समझे क्या है? समझाए. हम जा रहे थे मसूरी, मसूरी एंटर करने वाले थे और हमने सोचा कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं. ये भी सोचा हमने कि आउट ऑफ बॉक्स सोचना चाहिए. ये हमारे डायरेक्टर सर की पावर है. एम्प्टी बॉल पे हम पहुंच चुके हैं. चलो लोगों से बात करते हैं. यहाँ पे एम्प्टी फॉल पे हमें दो बहुत ही स्मार्ट लोग मिले हैं. चलो इनसे बात करते हैं. जी आपका नाम? देवेश सिंह. अंकित. अंकित, देवेश और अंकित ये लखनऊ के रहने वाले हैं जैसा कि इन्होंने पहले बताया. तो आप ये बताइए, इतनी सर्दी हो रही है,
घर पे तो लोग नहाते नहीं है, यहाँ पे आके पता नहीं क्या भूत सवार होता है, ऐसा क्यों? सर यहाँ का वाटरफॉल थोड़ा यूनिक लगता है और इस वजह से एक्साइटमेंट मिलती है लोगों को, इसीलिए अब वो लोग देखिए वो लोग रूम पे नहीं नहाते हैं, यहाँ आके नहा रहे हैं तो यही सब है। ध्यान से देखिए इनको, ये दो लोग यहाँ नहा रहे हैं और घर पे पता नहीं क्या हो जाता है, घर पे नहीं नहाते, हफ्ते हफ्ते पर नहीं नहाते वो लोग। आप बताइए। सेम वही है इनका भी। चलो आइए उन्हीं से पूछते हैं उनकी क्या राय है इस पे। आओ या। आओ भैया, आपके अभी ये जो दोस्त बैठे हैं ये लोग बता रहे थे कि आप घर पे नहीं नहाते, रूम पे तो नहाते नहीं, और यार इतनी ठंड में इतने ठंडे पानी में नहा रहे हो आप। नहीं नहाते तो यहाँ कैसे नहाते? अच्छा अच्छा, और क्या? तो आपको क्या? सारे फट्टू हैं वो भाई, और क्या? ट्रिप पे आए हम लोग तो एंजॉय नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बर्फ होना ना बार बार यहाँ पे। ये देखिए यंगस्टर का रोमांच, रोमांच नहाने के प्रति। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले तो बहुत दिक्कत हुई थी लेकिन अब नॉर्मल है। अच्छा लगा आपसे मिलकर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब ये देखो देखो वो चली गई। कौन? कैप्टी का आवारा शेर। बेटा शेर सुनाओ, बेटा शेर सुनाओ। मना कर रहा है, चलो मैं ही सुना देता हूँ। मैं जी रहा हूँ, मैं रुकता हूँ। प्रोग्राम मेरी कैसी लग रही है? देखा अच्छी है, ब्राउन ग्रीन मुझे ठीक है। समंदर में नहा के और भी क्या भैंसड़ हो गई हो। भैंसड़, ये भैंसड़ आपको समझ आया हमने क्यों बोला है? क्योंकि जब हमारी भैंस यानी कि डीजे जाकर नहाया कैंप्टी फॉल में, तो कैंप्टी फॉल ना रहकर वहां पर आपने ये भी देखा होगा कि हमारे एंकर अप्पू को किस तरह के दौरे पड़े, शेर से बात करने लगा, और उसके बाद हमारे कैमरामैन जेडी जाकर वहां पर दुकान में घुस के नाचने लगे। तो अगर हम अपने डायरेक्टर सर की भाषा में कहें तो बहुत जहर फैलाया गया, बहुत जहर फैलाया गया, बहुत लोग मर भी गए, बहुत न्यूज भी आई थी अखबारों में, अगर आपने पढ़ी हो तो। हाँ, कुछ और भी हमने काम ऐसा किया जो कि वाकई में अखबारों में आने लायक था। एक ऐसी जगह जहां पर जाना बिल्कुल मना था, वहां पर क्या हुआ? वहां पर हमें पता लगा कि यहां पर जाना मना है, फिर हमें तो वही जाना है जहां पर जाना मना है। और वहां पर खास बात क्या थी कि वहां पर कुछ दिन पहले मर्डर हुआ था। मर्डर सुना नहीं लगता है। मर्डर कत्लेआम, कत्लेआम। अच्छा, और वहां जाके हमें पता लगा कि एक जगह का नाम है लंबी धार। लंबी धार, लंबी धार। हमने लंबी धार थी जो कि पूरे पहाड़ी थी, पहाड़ी इतनी लंबी थी। और वहाँ के बारे में बहुत सारी भूतिया कहानियाँ। अगर किसी जान रहे हो भूतिया कहानी सही से ना सुनाओ तो भूतिया नहीं, भूतिया प्लेस है वहाँ पर। वहाँ पर हमने उसके बारे में जानने की कोशिश की, प्लस हमने वो जगह भी एक्सप्लोर की जहाँ पर मर्डर हुआ था। तो आइए देखते हैं क्या वहां से जिंदा वापस आ पाएंगे। आप आगे लेते हैं, निजी संपत्ति है, अंदर जाना मना है। मना है? जाना तो पड़ेगा। क्यों, क्या होगा? वापस चलो पटवाओगे क्या? नहीं नहीं सर, दिखाने हैं जगह लोगों को। डायरेक्टर सर, अरे तो जब हमें जाने देगा कोई तो फिर बाकी लोगों को कौन जान देगा? चुपके से जाएंगे ना। दिन में? दिन में सर देखेंगे एक बार। यार वैसे पंगे ना लो, आवारागर्दी करने आया, गुंडागर्दी करने थोड़ा आया। नहीं नहीं सर, रिक्वेस्ट करके देखेंगे एक बार। पिटवा दिया तुम पिटवाओगे यार? नहीं पिटेंगे सर, पैसेंजर्स के लिए थोड़ा पिट भी लेंगे। मेरे लिए तो अभी पिटेंगे, पैसेंजर के लिए पिटोगे आप? थोड़ा सा कम फैन फॉलोइंग। अच्छा
चलो चलते हैं फिर और क्या चले सर। हाँ चलो और क्या। आओ सर। हाँ हाँ आ जाओ सर कोई बात नहीं पहले हम सब ले। हाँ चलो घूमने आए लड़के घूमने आए दो दोस्त थे वो हाँ। यहाँ बैठ कर आपको आए दारू पीने लग गए वैसे नशे नशे में। अच्छा आप होंगे नहीं यहाँ पे उस समय मैं खाली में करके जा रहा था। आइए सर एक बार फोटो प्रेमलाल जी वैसे तो मंसूरी के बारे में टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है क्वींस ऑफ हिल माना जाता है। मंसूरी में बहुत सी चीज़ें हैं देखने लायक जैसे माल रोड है और भी है लेकिन कुछ मंसूरी से बाहर है जैसे है वो है लंबीधार है और चीज़ें हैं तो उसके बारे में कई अजीब कहानियाँ लोग भी सुनते हैं बाहर भी सुनते हैं तो आप यहाँ के रहने वाले हैं आप बताइए उसके बारे में वो कहानियाँ सच्ची हैं या झूठी हैं और वो क्या कहानियाँ हैं। सर कहानियाँ तो कुछ ऐसी कहानियाँ नहीं है क्योंकि हम भी काफ़ी साल से यहाँ पे रह रहे हैं देखभाल देखने घूमने गए वहाँ पे जी ऐसी तो कोई कहानी नहीं हुई सर। ये तो कहते हैं भूत वगैरह का कोई चक्कर है वो भूत बात तो कुछ नहीं सर हमने कभी देखा नहीं जबकि हम वहाँ घूमे फिरे जी तो हमारे नज़र में तो कुछ नहीं आया सर वो लोगों को कहने का। अच्छा वो जगह है क्या क्या हुआ करता था जगह तो वहाँ बहुत बड़ा जगह थी सर पहले मैंने से पत्थर निकलता था वहाँ पे वाइट पत्थर जी जी तो ट्रॉलियाँ थी वहाँ पे ट्रक से जाते थे बड़े बड़े ट्रक रात दिन ट्रक चलते थे वहाँ पे उसका लीज में था सर 100 साल हो गए उस 100 साल की लीज और अब उसमें जो है पेड़ पौधे लगा दिए गए जी 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 तो उसके अलावा कोई मतलब कोई ऐसी बात नहीं है वहाँ पे ना ऐसी बात तो कुछ नहीं सिर्फ वहम है लोग जी जी तो आप जा सकते हैं लंबधार भी ये सिर्फ वहम है यहाँ के लोगों का कहना है जी तो अगली बार जरूर जाइएगा। धीरे धीरे रात और गहराने लगी अंधेरा होने लगा और फिर क्या हुआ कुछ नहीं हुआ। अप्पू बाहर निकला घूमने के लिए और इसको एक ऐसा कपल मिला जो कि स्ट्रीट फूड का बहुत शौकीन था। कहाँ पर मिला माल रोड पे माल रोड स्ट्रीट फूड पता कौन सा था उनका कौन सा उबला हुआ अंडा। हाँ हमें तो पता ही नहीं था हमें पता ही नहीं था हम तो वहां पे थे ही नहीं तू ही था अकेला वहां पे। वाह अब हम क्या दिखाएंगे लोगों को हमें बता दिया बता दिया बताना नहीं था ये एक तो चीज थी प्लीज पूरी फिल्म हमने इसकी आई गिर्द बना दी अंडे डंडे के इर्द गिर्द और तुम वही बता रहे हो पहले नहीं यही चलो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ पहले अंडे देख के वापस आ फिर हम आपको बताते हैं हैव सम अंडास। कुछ जगहें दिन में अच्छी लगती हैं तो कुछ रात में लेकिन ये क्वीन ऑफ हिल्स मंसूरी मेरी जान ये दोनों समय अच्छी लगती है और इस वक्त हम क्वीन के दिल में बैठे हैं यानी कि माल रोड और आइए दिल की धड़कनों से बात करते हैं यानी कि जो यहाँ टूरिस्ट घूम रहे हैं उनसे बात करते हैं। चलो हमारे साथ दो बहुत ही प्यारे टूरिस्ट जुड़ चुके हैं मनिंदर सिंह जी और गुरविंदर कौर जी। आप कहाँ से हैं? सर हम लुधियाना से पंजाब से लुधियाना से आए हैं ये और यहाँ आपने क्या क्या देखा अभी तक क्या क्या एक्सप्लोर किया है मसूरी में? हम अभी शाम को ही आए हैं तकरीबन 6-7 बजे तो अभी हम माल रोड ही एक्सप्लोर कर रहे हैं थोड़ा सा खाया पिया अभी शॉप्स देख रहे हैं और थोड़ी सी देखते हैं अभी कल को आज आए मैम को शॉपिंग कराया आपने? नहीं नॉट यट और मैंने सुना है यहाँ का जो स्ट्रीट फूड है वो बहुत ही अच्छा है। या वी हैव ट्राइड लाइक वी हैड अ बॉयल एग्स या बिकॉज़ शी लाइक्स इट टू मच दैट्स व्हाई। चलो हम भी कुछ ट्राई करते हैं आओ और वो करें फिर
और ये हुआ उसके बाद हम लोग सो गए और फिर हम अगली सुबह उठे। वैसे हमने उसका भी एक शूट किया था। ये क्यों उठ रहा अपू? बेहोश हो गया बदबू से। अरे उठो, जूता सुखाओ, जूता सुखाओ अपू, जूता उतार, उतर नहीं आता। अरे उठो, अच्छा अपू उठो, ओवर एक्टिंग का शिकार। आगे की बात करते हैं। और हम फिर सो गए। सोने के बाद क्या हुआ? हमने रिकॉर्ड किया था बट वो आप देखना नहीं चाहेंगे, बड़ा एक एक्सरेटेड टाइप का मामला था, बट कोई बात नहीं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग माल रोड पे दिन में घूमने के लिए निकले। अच्छा माल, माल की माला का माल। अच्छा हमारी फैमिली देख रही है। अच्छा कोई बात नहीं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग कहीं और भी गए। कहाँ गए? वो माल घूमने के बाद। ठीक है, वापस आओ। जिसका मुझे था इंतजार वो मसूरी अब आ गई है। हम लोग अभी मसूरी के माल रोड पर हैं और यहाँ बर्फ ही बर्फ। वाह क्या नजारा है। हमें बर्फ चाहिए थी और हमें बर्फ मिली। ये बहुत किस्मत वालों के साथ होता है कि उन्हें बर्फ मिलती है। और अभी हम आगे बहुत कुछ देखने वाले हैं। चलो चलते हैं। आओ आवारी का नशा चखाता हूँ, चलो मसूरी की गलियों में चलो। ये जो गलियां हैं ये किसी फॉरेन लोकेशन से कम नहीं है। इनको देख के कहीं ना कहीं यूरोप की याद आती है और ऐसी लोकेशन कम ही मिलने देखने को मिलेगी आपको। चलो आवारा गर्दी कर रहे हैं तो चलो घूमो, आ जाओ। मेरा नाम है आकाशदीप धारीवाल, अक्की धारीवाल, और ये मेरे प्रमोशन के लिए नहीं है, ये हमने वीडियो सेल्फी वीडियोस के लिए शूट कर रहे हैं क्योंकि हम मसूरी से बाहर आए हैं सिर्फ एक काम के लिए, बर्फ देखने के लिए। मसूरी से बाहर क्या कर रहे हैं? हम जा रहे हैं धनोल्टी। हमें सुना है, सुनने को आया है कि वहां पर बर्फ पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है? बर्फ। और हमने अपना प्लान चेंज कर दिया क्योंकि हम आवारा एक्सप्रेस हैं, हम लोग घूमने वाले हैं तो हम किसी की बात से नहीं डरते, हम घूमेंगे। फिलहाल यहाँ पे क्यों रुके? ये देखो पीछे सीनरी, ओफ ये हसी वादी जन्नत, ये हसी वादियां, ये खुला आसमां, आसमां हालांकि उफ। अरे कमाल है यार, ये कैमरा कैच कर पा रहा है। हमारे डीएसआर क्या कर रहे हैं पता नहीं, शायद ज्यादा पैसे लगा दिए हमने। कोई बात नहीं, आप एंजॉय कीजिए। अब चलना चाहिए, क्या करना चाहिए? चलना चाहिए, रुकना चाहिए। सबको अपनी अपनी खुजली है, सब कैमरे पे आना चाहते हैं, किसी को जाना नहीं है, किसी को रुकना नहीं है। ठीक है, मिलते हैं धनोल्टी में। धनोल्टी। उफ उफ उफ। अब है एक्शन सीन की बारी। कुंग फू स्टाइल हल्क स्मैश इट। क्या हुआ वहां पर देखना। हम आगे गए और वहां पर हमें बर्फ बर्फ या ठंडा नमक लगता नमक ठंडा नमक और ये क्या था ये भी पता लगेगा। ठीक है, देखते रहिए। देखो दिख रही है टीवी शो, देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। एक्चुअली ये बनना टीवी एंकर ही चाहता था, बन यहाँ पे गरीबों के साथ फंस गया। चलो कोई नहीं, चल भैया सॉरी, मिलेगा प्यार। होली की तरह हल्कर लगवा ले भाई, मारी दो क्या मार दो, मारी दो कैमरे में मार दिया जतिन।
ये है हमारा आवारा टोमी, आवारा अप्पू, आवारा टोमी। टोमी बिस्कुट खाएगा? नहीं खाना, कल है भी नहीं मेरे पास। अभी हम मसूरी से 15 किलोमीटर ऊपर हैं और यहाँ लगभग 2 घंटे से बर्फ गिरी जा रही है, गिरी जा रही है। वाह क्या नजारा है, मजा आ रहा है। हेलो भाई, हम भी गए थे, अब तुम लोग किधर हो? नवीन आ जा, नवीन आगे सर, आगे। हाँ बता दे, कुछ हुआ क्या? माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई, माउंट एवरेस्ट की बिहाइंड द सेम टीम, माउंट एवरेस्ट की बिहाइंड द सीन चढ़ाई है भाई। आवारा एक्सप्रेस के पैसेंजर्स, रुकावट के लिए खेद है, क्या करें, जाना हमने धनौल्टी था लेकिन इतनी हैवी स्नोफॉल हो गई है कि हमें 17 किलोमीटर पहले ही रुकना पड़ा। हमारी गाड़ियां अभी भी 5 किलोमीटर पीछे खड़ी हैं और हम यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पर खड़े हैं इस वक्त। आपके लिए ही हम यहाँ तक आए हैं क्योंकि आवारागर्दी में जो नशा है ना वो किसी और चीज़ में है ही नहीं। आवारा एक्सप्रेस कभी नहीं रुकेगी, अगले एपिसोड के लिए हमें आपका इंतजार रहेगा, तब तक के लिए। आवारा एक्सप्रेस के S01 E01 को देखने के लिए शुक्रिया। आवारा एक्सप्रेस का पहला स्टेशन पार हो चुका है और उसको आपने बहुत ही सक्सेसफुली हमारे साथ सहन किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हाँ सबसे बड़ी बात, अप्पू को सहन किया, लड़की ले कोई तो ये सब जानना है तो फिर हमारे पेज पर बने रहिए, हमें फॉलो करते रहिए। हमारे पहले एपिसोड को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चंबा कितनी दूर, माए नी मेरी ये शिमले दिरा है, चंबा कितनी दूर, शिमले नी वसना कसौली नी वसना, हो शिमले नी वसना कसौली वसना, चंबे जाना जरूर है, चंबे जाना जरूर, माए नी मेरी ये शिमले दिरा है, चंबा कितनी दूर है, चंबा कितनी। कितनी